हेलो, वेलकम बैक टू हैम इंस्टीट्यूट। और आज मैं लाया हूँ आपके लिए एक और न्यू रेजिडेंशियल प्लॉट। ये है प्लॉट और इसका साइज़ है, फ्रंट है 20 फीट और डेप्थ है 42। तो अगर आपका प्लॉट भी इसी टाइप का है, डेप्थ 42 है, फ्रंट 20 है, तो ये वीडियो आपके लिए ज़रूर है। इसकी रिक्वायरमेंट बता दूँ, दो बेडरूम आएंगे इसमें, टॉयलेट बाथ सेपरेट आएगा, एक किचन और एक ड्राइंग रूम, और जो स्टेयरकेस आएगा बाहर के बाहर आएगा पोर्च से। तो चलिए डिटेलिंग करते हैं शुरू। ये लेफ्ट साइड से है मेन एंट्रेंस से ही एंट्री, और 9x13 का ये दिया गया है पोर्च, और पोर्च के साथ साथ ही बाहर से, क्योंकि स्टेयरकेस देना है रेंट पे भी, के लिए भी यूज़ कर सकते हैं, तो ये एल शेप में जो है यूज़ किया गया है स्टेयरकेस। और बाहर से एक एंट्रेंस है ड्राइंग रूम का, और मैं आपसे कहूँगा ड्राइंग रूम के दो ही एंट्रेंस रखें इसमें, एक है कि बाकी अगर आपको सर्विंग भी करनी हो तो वो लॉबी से हो जाए। और ड्राइंग रूम का साइज़ है 10x9, ठीक है। और अब चलते हैं मेन एंट्रेंस पर। ये है हमारा मेन लॉबी के लिए एंट्रेंस, यहाँ से होगा घर के लिए मेन एंट्रेंस। लॉबी में लॉबी है 15x10 की, और इस लॉबी से कनेक्ट है ये किचन। इसका साइज़ है 10x6, और इसका जो किचन का स्लैब रहेगा वो इस शेप में रहेगा, ठीक है। और अब जो है हम चलते हैं टॉयलेट बाथ की तरफ। यहाँ से कनेक्ट है आपका बाथ, इसका साइज़ है 4x5, और यहाँ से कनेक्ट है आपकी WC, इसका साइज़ है 4x3.5। सिर्फ अब बचते हैं आपके, वो बचते हैं बेडरूम्स। लॉबी से ये खुलता है डोर, और ये आपका कनेक्ट हो गया बेडरूम 9.5x13 का, और इसके साथ ये कनेक्ट है आपकी कबर्ड, ये है बेडरूम 2, और ये खुलता है इस तरफ से डोर। और एंट्रेंस इसका साइज़ है 9.5x13 सेम। तो ये हो गई है रिक्वायरमेंट्स कंप्लीट। तो अगर आपका साइज़ भी यही था 20x42 का, आपने इसे रेफरेंस ले लिया होगा, और रिक्वायरमेंट्स वगैरह अलग हैं, तो आप डायरेक्टली हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं हैम इंस्टीट्यूट पर, हम आपका फ्लोर प्लान बना के आपको सेंड कर देंगे। सो थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।